हेलो ट्यूशन, वेलकम टू एसएस विद्यापीठ। इन ऑनलाइन क्लासेस टुडे आई विल टीच यू सब्जेक्ट मैथ एंड योर टॉपिक डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है अवरोही क्रम, इसे हम घटते हुए क्रम भी कहते हैं। तो इसमें देखिए बेटा, आप लोग भी यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पे कुछ पिक्चर है। यहाँ पे देखिए किसका पिक्चर है, कैटरपिलर का। कैटरपिलर मीन्स होता है इली नामक कीट। और यहाँ पे देखिए क्या है, लीफ। लीफ मीन्स पत्ती, ये पत्ती का फिगर है। तो देखिए आप लोग भी अपने घर पे छत पे चढ़ते होंगे, तो ठीक उसी तरह से जो कैटरपिलर है ये भी देखिए छत पर चढ़ी है, और छत पर से ये नीचे आने के लिए यहाँ पत्ती को खाने के लिए आ रही है। तो यहाँ पे देखिए जो सबसे लास्ट वाला सीढ़ी है वह एक काउंट कर ली है, और कितनी सीढ़ियाँ हैं, और 5 है, और उस लास्ट वाली सीढ़ी से नीचे आ रही है। तो अर्थात एक बिग नंबर से स्मॉल नंबर की तरफ आ रही है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या है, आपका घटते हुए क्रम में जाना है। तो ठीक उसी तरह से वो स्टेप बाय स्टेप एक एक सीढ़ी से को कम करते हुए ये नीचे आ रही है पत्ती को खाने के लिए। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको क्या करना है, बिग नंबर से स्मॉल नंबर की तरफ आपको जाना है। तो देखिए यहाँ पे बेटा, मैं आपको एक और पिक्चर के माध्यम से बता रही हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर को कैसे करना है, घटते हुए क्रम, जैसे मतलब बिग नंबर से स्मॉल नंबर की तरफ। तो ठीक उसी तरह से हम सर्कल बना रहे हैं। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा सर्कल, और उसके बाद क्या है, उससे छोटा, फिर उससे छोटा एक और सर्कल, फिर उससे छोटा एक और सर्कल, फिर उससे छोटा एक और सर्कल, फिर उससे छोटा एक और सर्कल। तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या थे, जो सबसे छोटा रहता था उसे सबसे पहले कर लिखते थे, सर्कल बनाए थे। और इसमें देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में जो सबसे बड़ा है उसे सबसे पहले रखा गया। अर्थात असेंडिंग ऑर्डर में आप क्या करते थे, स्मॉलर नंबर को स्मॉलर नंबर से आप बिग नंबर की तरफ जाते थे। अब इसमें देखिए बिग नंबर से आपको स्मॉल नंबर की तरफ जाना है। तो उसी तरह से देखिए यहाँ सर्कल है, जो सबसे बड़ा है उसे सबसे पहले रखा गया है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो ठीक इसी तरह से आप नंबर के साथ देखिए, आपको मान लीजिए यहाँ पर कुछ नंबर दिए गए हैं, यहाँ पे आपको कुछ नंबर दिए गए हैं। देखिए अब इस नंबर को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा उसे हम सबसे पहले लिखेंगे, और जो और फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, जैसे सर्कल था उसी तरह से सेम इसको अभी आप करेंगे। तो इसमें देखिए हम पहले देखेंगे जो नंबर हमको मिले हैं उनको, वो नंबर उस नंबर में हम देखेंगे कि वो नंबर कौन सा बड़ा है। तो इस नंबर में हम देखेंगे 1 है, 2 है, 8, 7, 5, 4, 3। इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 8। तो हम सबसे पहले 8 लिखेंगे। अब देखेंगे इससे बड़ा क्या है, अब वो इन नंबरों में से ढूंढेंगे इसके बाद कौन सा सबसे बड़ा नंबर है, तो क्या लिखेंगे हम, 7। अब इसमें देखेंगे, अब 7 से देखेंगे उससे बड़ा कौन सा है सारे नंबरों में हम देखेंगे, तो उसके बाद क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 5। अब
फाइव के बाद हम देखेंगे इन नंबरों के बीच में, तो क्या है आपका यहाँ पे फोर फोर। उसके बाद फिर हम इन्हीं नंबरों में देखेंगे तो क्या है टू, इसके बाद नहीं होगा तो क्या है इससे बड़ा थोड़ा सा थ्री। अब थ्री के बाद हम देखेंगे कौन सा नंबर है टू। अब उसके बाद हम देखेंगे तो क्या है आपका वन। तो इस तरह से हम बिग नंबर से स्मॉल नंबर की तरफ फिर देखते हुए और इसे लिख लेंगे, और क्या हो जाएगा आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं। आपको किसी नंबर के साथ दिया जाएगा तो आप कर सकते हैं। अब आप इसे नेक्स्ट नंबरों के साथ देखिए, सेवन सेवन इलेवन ट्वेंटी टेन सेवेंटीन। अब देखिए इन नंबरों के साथ आपको अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको आपको सेंस करना है तो आप कैसे करेंगे, इसमें देखेंगे कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा है, सबसे बड़ा है। तो कौन सा नंबर सबसे बड़ा है तो इन्हीं नंबरों में हम ढूंढेंगे। तो कौन सा नंबर है ट्वेंटी, तो सबसे पहले हम ट्वेंटी लिखेंगे, फिर देखेंगे उस ट्वेंटी को छोड़ के उन नंबरों में सबसे बड़ा कौन नंबर है तो सेवेंटी। अब सेवेंटी के बाद हम देखेंगे कौन सा नंबर है आपका, तो कौन सा नंबर है इलेवन। अब हम देखेंगे इलेवन को छोड़ के जो नंबर है उनके बीच में उससे बड़ा कौन नंबर है, तो क्या हो जाएगा आपका टेन। अब टेन को छोड़ के उन्हीं नंबरों के बीच में देखेंगे उससे बड़ा क्या है आपका, उससे छोटा, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे सेवन। तो इस तरह से देखिए जो सबसे बड़ा नंबर था उसको हमने सबसे पहले लिखा, फिर उससे फिर उससे फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, तो ये क्या हो गया आपके घटते हुए क्रम, इसको हम क्या कहेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। आई होप आप लोगों को डिसेंडिंग ऑर्डर अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आए तो वीडियो को आप पुनः देखें। थैंक यू।